दिल्ली नहीं जाना पड़ा है। और एक भजन सुनाता हूं मैं आपको, एक तो सबसे आजोर के प्रार्थना जी सभी बाहर जाए तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत सुबह की पहली खबर के साथ। वॉइस ऑफ पानीपत लाइव है आपके सामने स्क्रीन पर। आप देख रहे हैं दिल्ली कूच करने की तैयारी जो है किसानों ने कर ली है। अपने अपने संस्थानों पर, अपने अपने कारों पर, अपने अपने गाड़ियों पर किसानी झंडा जो है वो लगाया जा रहा है। चढ़ूनी ग्रुप है जो आज दिल्ली कूच करेगा। भारी संख्या में अभी किसान जो है सुबह से ही इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। मोटरसाइकिलों का काफिला, कारों का काफिला और नियंग जत्थों के साथ दिल्ली कूच करने की तैयारी में इस समय जो है किसान इकट्ठा होना शुरू हो गया। पानीपत के टोल टैक्स से आप हम लोग ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज क्या रहने वाला है और क्या क्या रहेगा, इसके लिए हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो लाइव तस्वीरें इस समय आप लोग टोल टैक्स से देख रहे हैं। मेरे साथ जिला अध्यक्ष हैं, बाकियों के उनसे बातचीत करते हैं। क्या प्रोग्राम रहने वाला, किस तरह आप कर रहे हैं आज? आज पानीपत जिला इस आंदोलन को मजबूत करने जा रहा है। यहाँ 11 बजे सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हमारे बीच में पहुँचेंगे और घोड़े हैं, निहंगों के घोड़े हैं, वो भी हमारे बीच पहुँच चुके हैं। आगे घोड़े चलेंगे, फिर मोटरसाइकिल होंगी, फिर गाड़ियाँ होंगी और सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में दिल्ली सिंगू बॉर्डर पानीपत जिले के किसान कूच करेंगे। पानीपत के किसान है कि आसपास के जिलों से भी बुलाए हैं? आसपास के जिले से कोई नहीं है, हमें केवल पानीपत जिले का नंबर है। अकेले पानीपत जिले के किसान हैं और आज अपनी ताकत इस सरकार को पानीपत जिले के किसान दिखाने जा रहे हैं। पूरे गाँव में भी सर्वे हुए, आप गए हैं किसानों के बीच में, मोहम्मदन समाज में भी गए हैं, उनका क्या रुख है? सब पहुंचेंगे, सब ने अपने योगदान दिया, पहुंच लिए हैं, गांव से लोग चल पड़े हैं। देखना भी थोड़ी देर बाद यहां जो है जगह नहीं बचने वाली, इतनी जनसंख्या में लोग पहुंचने वाले हैं। हर एक गांव में आपसी जो है कंपटीशन बना हुआ है कि भाई मेरा पड़ोसी गांव इतनी गाड़ियां लेके जाएगा तो हम उससे डबल लेके जाएंगे। एक छोटा गाँव है डिमाणा, जिसको दीवाना कहते हैं, वहाँ से 100 से भी ज़्यादा व्हीकल अभी हमारे 5 मिनट में यहाँ बीच में होंगे, आने लग रहे हो, जीटी रोड ऊपर ही हैं, पूरा काफिला लंबा आ रहा है। दिल्ली वहाँ रुकने की तैयारी है कि सिर्फ वहाँ कूच करके वापस आ जाएंगे? नहीं है, वहाँ रुकेंगे भी और ये तो रूटीन बनाया हुआ है कि जिनको एक हफ्ता ये जिला रुकेगा, एक हफ्ता वो रुकेगा, ऐसे कार्यक्रम है। पूरी तैयारी खींच रखी है? बिल्कुल पूरी तैयारी है, आप लोगों का धन्यवाद। फिर जाकर थे हमारे साथ ये किसान नेता हैं, जिला अध्यक्ष हैं चढ़ूनी ग्रुप के। तो तस्वीरें आपको दिखा दें कि इस समय गाड़ियां जो है काफ़ी संख्या में यहां आनी शुरू हो गई है। पानीपत के टोल टैक्स से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। हज़ारों की संख्या में जो जत्था यहां से टोल टैक्स से इकट्ठा होकर रवाना होगा, दिल्ली के लिए कूच करेगा। भारी संख्या में युवा जो हैं वो भी जुड़ना शुरू हो गए हैं। दिल्ली के कूच के लिए जो भी गाड़ी आ रही है उसके ऊपर ऐसे जो है बैनर लगाए जा रहे हैं, किसानी झंडा जो है लगाया जा रहा है। और यहाँ पर पहले लंगर की व्यवस्था की गई है, लंगर खाने के बाद यहाँ से जो है दिल्ली के लिए कूच किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि तिरंगा झंडा जो है हर गाड़ी के ऊपर मोस्टली जो है आप लोगों को देखेगा, तिरंगा झंडा जो है उसको भी आगे लगाया गया है। इन लाइव तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आज अपील ये भी की जाती है कि सफ़र करने से बचें, क्योंकि आज जीटी रोड जो है वो भी जाम रहने वाला है। हालांकि पानीपत की पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था पूरी सुदृढ़ कर रखी है, किसी को दिक्कत ना हो। तस्वीरें आपको पीछे से और दिखाना शुरू करें, क्योंकि धीरे धीरे जो है लोग यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। किसान, जितने भी किसान नेता हैं या जमींदार हैं, वो आज दिल्ली के लिए कूच करेंगे। सिर्फ पानीपत का जत्था जो है आज दिल्ली रहेगा। तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो कर रखी हैं। ये स्पेशल जो है किसान मजदूर एकता जिंदाबाद गाड़ी के ऊपर ये पूरा लिखवा लेगा, नो फार्मर नो फूड। बड़ी बात आपको दिखा दें, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपने देखा होगा लिखा हुआ, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ फार्मर ये एक बड़ी चीज़, अच्छी चीज़ है, वो लिखी हुई है। एक इंडिया का नक्शा जो है बोनट के ऊपर बनाया गया है। सिंगू, टिकरी, गाजीपुर, शाहजहानपुर, ये पूरा का पूरा जो मैप है वो बना दिया गया। इसके बीच में एक बड़ा अच्छा संदेश दिया गया है, ये किसानों के बैल हैं, हल है, किसान जो हल जोता है, और ये किसान की फोटो है वो लगा रखी है। तो कार को बड़ी अच्छी तरह ढंग से जो है सजाया गया है, बैनर लगे हुए हैं, चढ़ूनी ग्रुप के बैनर लगे हुए हैं। क्योंकि आपको बता दें कि टिकैत ग्रुप और चढ़ूनी ग्रुप जो है, दो ग्रुप जो हैं अब किसानों को लीड कर रहे हैं, और हरियाणा से चढ़ूनी ग्रुप जो है वो लीड कर रहा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल जरूर करें, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आज किसानों को लेकर क्या बड़ी खबर, बड़ी अपडेट जो है वो रहने वाली है। तो ऐसी तमाम जितनी भी गाड़ियां हैं वो आपको नज़र आएंगी, बसें जो हैं वो नज़र आएंगी। पानीपत के टोल टैक्स से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। हालांकि
पुलिस बल काफ़ी संख्या में तैनात किया गया है ताकि कोई एहतियातन कोई दिक्कत ना हो, लेकिन किसानों का ये सम्मेलन है, किसानों का मामला है, बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से जो है लोग यहाँ से निकलेंगे और दिल्ली कूच करेंगे। लगभग एक हफ्ते तक ये लोग दिल्ली बैठेंगे, वहाँ पर अपना जो प्रोटेस्ट करेंगे। इस साइड जो है सिख समाज ने किसानों के लिए बकायदा लंगर लगाया है और लगातार 5-6 महीने से ये लगातार लंगर सेवा जो है वो चल रही है। तो इस साइड जो है किसानों के लिए टेंट लगाया गया है, यहाँ जो भी किसान पीछे जा रहा है वहाँ यहाँ पर बैठेगा, रेस्ट करेगा, रागनी के लिए उनका खास कार्यक्रम रखेगा और उसके बाद जो है दिल्ली रवाना होंगे। वीडियो के साथ आप बने रहिए, साथ के साथ शेयर जरूर करते रहिए ताकि किसानों के मसले पर ये वीडियो जो बनाई जा रही है शेयर हो सके। तो आपको फिर से बता दें कि पानीपत के टोल टैक्स से आप ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। निहंग जो जत्थे हैं वो थोड़ी देर में यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे, उनकी अगुवाई में जो आज ये जो रवाना होना है जत्था जत्थों की जो निहंग जत्था है उनकी अगुवाई में आज ये रवाना हो रहा है। उससे पहले निहंग जत्थे रहेंगे, बाद में मोटरसाइकिलों का काफिला रहेगा और उसके बाद कारों का काफिला रहेगा और पीछे पीछे जो है ट्रैक्टर जो है वो लगेंगे। एक लंबा काफिला जो है आज पानीपत से दिल्ली के लिए कूच करना है। तो वीडियो में बने रहिए। तो ये बड़ी अपडेट के साथ हम लोग इस समय लाइव हुए हैं, कुछ किसानों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये किसान खड़े हैं। हाँ जी, किधर जा रहे हो? अजी दिल्ली चल रहे हैं जी, बॉर्डर से। की लगता है सरकार मन क्यों नहीं रही, इतने टाइम तो बैठे हुए सारे? मनना तो पेगा ही सरकार ने, उन्होंने शर्म आनी चाहिए कि इन्ने लोग मर गए, इन्ने लोग शहादत दे गए मोर्चे वास्ते, तो उन्होंने कुछ जू ही नहीं सरकारी करना उन्होंने, तो उन्होंने समझ जाना चाहिए कि जेडे आए ही इन्नी मुश्किल नाल इधर आए थे, तुसीं इन्नी बैरीकेडिंग की हैगी, इन्ना कुछ किया, जे उदों नहीं रुके हो तो हूँ कितों चले जाएंगे वापस? ये तो जित के ही जावे। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਾਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ? ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਲਾਓਂ ਕਾ ਵਿਸ਼ੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾਏ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਮੈਂ ਆਜ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਯਹਾਂ ਪਰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਂਗੀ। ਤੋ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਰਹਾ ਹੈ पहले यहाँ पर लंगर छके उसके बाद जाएगा। हाँ जी भाई जी, कि किद्दा किद्दा दी तैयारी है, कित्थे जा रहे हो? दिल्ली जा रहे हैं जी अपने हक्कां लई। मोदी नूं हुण तां मन जाना चाहिए भाई जी, मेरे हिसाब नाल गलत आ, वह भी साडे ने असीं भी उन्हां दी हैं, आ गलत है जो भी कुछ कर रहे हैं जी। बाकी इन्ना गलत होना नहीं चाहिए जिन्ना हो रहा, उम्मीद नहीं सी इन्हां नाल, ते असीं यही चाहते हैं कि भी साडे हक सानूं दित्ते जाण भाई जी। असी भी इसे देश के नागरिक है, कोई दूजे देश के तो है नहीं जी, तो जल्दी तो जल्दी इस काम का सलूशन लगता। देश तो सब तो बड़ा अंदोलन है जरा चल रहा है, जरा रोड के उपर बैठ के किया जा रहा, उस तो बाद भी सरकार नहीं मान रही। यह तो सरकार की नाकामी है भाजी, आने वाले समय से इन्हों का कुछ नहीं रहना जी, खत्म हो जानी है सरकार है, ये को टाइम हैगा हजे भी सुधर जा, नहीं तो फिर पब्लिक तो सुधार ही देगी। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਭਾਅ ਜੀ। ਹੈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ। ਚੜੂਨੀ ਗੁੱਟ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਯਹਾਂ ਪਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਭੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਯਹਾਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਯਹਾਂ ਪਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂ ਉਨਕੀ ਅਗਵਾਈ ਮੈਂ ਜੱਥਾ ਜੋ ਹੈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾ ਦੇ कि लंगर व्यवस्था जो है रूटीन से लगातार जो है 5-6 महीने से ही चल रही है। कोई भी जो भी लोग हैं यहाँ पर पहले लंगर छकते हैं, उसके बाद आगे दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। ये लंगर सेवा आपको पूरे जीटी रोड पर मिलेगी, करनाल कुक्षेत्र नीलोखड़ी जहाँ पर से जीटी रोड का रास्ता है वहाँ पर आपको ये लंगर सेवा मिलेगी। तो ये इस साइड जो है जिसने सेवा अपनी तरफ से करवानी वो यहाँ पर अपनी सेवा देता है, लंगर सेवा के लिए रखे हुए, क्योंकि ये लंगर जो है पूरी टीम की तरफ से किया जा रहा है। पानीपत के सिख संगत जो है ये लंगर की सेवा कर रही है। तो इस साइड देखिए बड़े बड़े पतीले जो है चढ़ाए हुए हैं, पूड़ियाँ निकाली जा रही हैं, लेडीज यहाँ पर लगी हुई हैं। बड़ी बात ये आपको बता दें कि ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है
जनता के लिए है। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, जैसे ही कोई बड़ी अपडेट होगी हम लोग दोबारा आपके साथ लाइव होंगे। यहाँ इस साइड दवाइयों का इंतजाम भी जो है किया गया है, जिसको दवाई लेनी है वो यहाँ पर दवाई भी ले सकता है। तो ये दवाइयों की सेवा भी लगातार पिछले 6 महीने से जारी है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहे साथ के साथ। पानीपत के टोल टैक्स से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं जिसकी जितनी सेवा वो अपने सामर्थ्य के हिसाब से चला रहा है। तो यहाँ से किसी ने पोस्टर लेना है, बैनर लेना है, वो भी यहाँ पर सेवा जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट की गई है। तो वीडियो में बने रहिए, अगली अपडेट के साथ हम लोग दोबारा लाइव होंगे। आगे की क्या तैयारियां हैं, भारी पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया है और लंगर सेवा जो है यहाँ पर की गई है। वीडियो के साथ बने रहिए, अगली अपडेट के साथ हम लोग फिर से दोबारा लाइव होंगे। नमस्कार।